हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक जो मैंने पार्ट बनाए हैं आप सबके लिए, आप उन्हें बहुत अच्छे से अटेंड कर चुके हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है थेरी की सर, आप मेरे चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाके आप देख सकते हैं सर। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। सर, पहले इसका हिंदी मतलब समझो। इसका मतलब है, ये कॉन्सेप्ट सर बनता है, पैसा पैसे को खींचता है। क्या बोला मैंने? पैसा पैसे को खींचता है। इन द सेंस, वेन एवर यू इन्वेस्टिंग योर मनी, देन ओनली यू शुड अर्न दी मनी। मतलब जब तक आप पैसा लगाओगे नहीं, तब तक आपको पैसा मिलेगा नहीं। ये क्या कहना चाहता है सर? लेट सपोज मैंने आपसे 100 रुपये लिए। अब उस 100 रुपये को मैं 105 में बेचूंगा, फिर उस 105 वाले नोट को मैं 110 का बेचूंगा, उसी 110 को 120 का बेचूंगा। मैं आपको इसका एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ फाइनेंस मैनेजमेंट में। सर, इसका फॉर्मूला भी आपने एफएम में पढ़ा होगा, रेशियो वाले में चैप्टर में। लेट सपोज कि हमने डिबेंचर के रुपए से, लेट 1000 रुपये का डिबेंचर था, उस पर 100 रुपये कमाए। 100 रुपये में हमने उन्हें 20% लेट सपोज इंटरेस्ट दे दिया, तो भी 80 हमारे बचे। प्रेफरेंस वालों के 1000 लिए थे, उसमें से उनको हमने 30 रुपये डिबेंचर दिया, तो भी 70 बचे। और इक्विटी वालों का जितना भी अब जो बच गया, इनका 80 और उनका 70, 150 रुपये, ये किसको आके मिल गए? इक्विटी वालों को। इन द सेंस, पैसा भी शेयर, पैसा लगा है डिबेंचर होल्डर का, पैसा लगा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, लेकिन फिर भी फायदा किसे हो रहा है? सिक्योरिटी होल्डर को, ठीक है सर, यानी इक्विटी शेयर वालों को। मतलब दूसरों के पैसों पे कमाई करना सर, मेरे वर्ड को फोकस करना 100%। क्या इंग्लिश पढ़ने वाले हैं हम इसके बाद में, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आप 100% थियरी कवर कर लेंगे सर, कि पैसा पैसे को खींचता है ना सर। तो दूसरों के पैसे पे कमाई करना, दैट इज डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। इसका मैं और बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज मैंने क्या किया, किसी को एक हाउस लोन पे दिया, ठीक है सर। अब वो मुझे पैसा देता रहेगा। अब मैंने उस लोन एग्रीमेंट को एज अ असेट्स दिखा दिया अपनी बैलेंस शीट में। अब उस असेट्स को गिरवी रखवाकर मैंने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और पैसा ले लिया। फिर उस जो और पैसा आया है, उसको मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया। उस और पैसे से फिर से एक डीड बनाई, नेगोशिएशन क्रिएट किया, और फिर उसको मैंने बैंक को देके फिर और पैसा लिया। फिर मैं ये करता गया। फाइनली हो क्या रहा है, पैसे से पैसा बनाना, दूसरों के पैसे पे कमाना। इसकी लिरिक्स क्या है सर? पैसे पे पैसा बनाना, दूसरों के पैसे पे कमाना। एक बार दोबारा से, पैसे पे पैसा बनाना, दूसरों के पैसों पे कमाना, ठीक है सर। दैट इज डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। सर, इसकी मीनिंग समझिए सर। लिक्विड असेट्स आर पुल्ड इंटू अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। मतलब कुछ 8% की डीड्स हो सकती हैं, 10% की हो सकती हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हाउस लोन की अलग हो गई, ठीक है सर, कार लोन की अलग हो गई, ठीक है सर, और आप और भी जैसे ऑटो रिक्शा की अलग हो गई। तो बहुत सारी जो जो हैं आपने अलग अलग बना लिया, वो हो गया। तो मार्टे पूल्ड, पूल्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी। हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में इकट्ठा करते हैं, डिबेंचर वाले अलग हो गए, प्रेफरेंस वाले अलग हो गए, दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर। और ये जो हमारी डीड बनी है, एग्रीमेंट बने, ये हम किसी और को बेच देते हैं। दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट ऑनरशिप इंटरेस्ट। इससे क्या होगा सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा जिसको हम रिप्रेजेंट करके, रिप्रेजेंट मतलब दिखा के, हम ये दिखाएंगे कि हम मालिक हैं। ओनरशिप इंटरेस्ट मतलब हम दिखाएंगे कि हम मालिक हैं। जनरली दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिक्योर्ड बट एट टाइम्स अनसिक्योर्ड। जनरली तो ये इंस्ट्रूमेंट सिक्योर्ड होते हैं, बट कुछ समय इनसिक्योर्ड भी हो जाते हैं। सर, इसकी इंग्लिश इतनी वाहियात है कि आपको लॉजिक मीनिंग इसका पता ही नहीं चलना क्या है। तो मैंने जो बोला सर, उसको याद रखना, पैसे से पैसा कमाना, दूसरों के पैसों पे अमीर बन जाना, दैट इज डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। बाकी सर, ये इसने कहानी लिखी है इतनी सारी, मैं हल्का सा पढ़ के बताता हूँ सर। इस कहानी को मत पढ़ो आप, छोड़ो, इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे। जो कह रहा हूँ सर, उसे हिंदी में लिख लो, कि ये वाला एग्जाम्पल याद रखना सर, कि 1000 रुपये के डिबेंचर थे, हमने उनको ब्याज देना था 100, 100 में हमारे सर टैक्स भी डिडक्ट कर लिया, तो वो भी हमारे पैसे बच गए। लॉट 100 में उन्हें 20 दे दिए, तो 80 हमारे लिए बच गए इक्विटी शेयर होल्डर वाले के लिए। प्रेफरेंस वालों को 100 में से 30 दे दिया, तो भी 70 बच गए। 80 और 70, 150 बच गए किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए। पैसे किसके लगे थे? डिबेंचर वालों के। पैसे किसके लगे थे? प्रेफरेंस वालों के। और फाइनली बच किस हो गया? इक्विटी शेयर वालों को। एक छोटा सा सर समझना इसमें क्या होता है। एक बंदा होता है सर इसमें, बेनिफिट ऑफ ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर मतलब जिसने वो बनाया है पुल,
पूल इन द सेंस डिबेंचर वालों का अलग, प्रेफरेंस वालों का अलग, वो तो असेट्स आर शिफ्टेड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब इसमें क्या होता है, लेट सपोज जो मेरी असेट्स हैं वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ और पैसा ले लेता हूँ, तो मेरा कैश का सॉल्वेंसी बढ़ जाता है और मेरे असेट्स क्या होता है वहाँ पे कम दिखता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे अब मेरा असेट्स कम है, यानी मैं लोगों से कहूँगा भाई थोड़ा सा और दे देना। इट्स लाइक अ थिंग सेम, जैसे कोई लड़का है उसकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो किसी लड़की के सामने जाके बोलता है कि मैं तो दुनिया में अकेला हूँ, आज तक तो मेरे पास कोई है नहीं, तो दूसरी लड़की भी सिंपैथी दिखाने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है सर, एक तो थी ऑलरेडी लेकिन मैंने उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया और अगली वाली को ऑफर देने लग गया। लाइक दैट कि मेरे पास असेट्स नहीं दिखेगी कि भैया बिल्डिंग, मेरे पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइप पे हैं डीड्स वगैरह कि डिबेंचर की डीड्स, शेयर होल्डर की डीड्स जिन्हें मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, जब वो मेरे अकाउंट में नहीं दिखेगी तो मैं किसको कर रहा हूँ, सामने वाले को पास ऑन कर रहा हूँ। सामने वाले को पास ऑन करने की वजह से अब वो उसकी बैलेंस शीट में दिखेगी और मेरी बैलेंस शीट खाली दिखेगी। खाली दिखने की वजह से मैं क्या करूँगा, इसमें और असेट्स को ऐड करता जाऊँगा और बेनिफिट फाइनली मुझे ही होना है, लेकिन सिर्फ दिखेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है सर, तुम एक ही चीज़ याद रखना सर, जो मैंने आपको मेनली बोली है यहाँ पे इस स्लाइड पे, पैसे से पैसा कमाना, दूसरों के पैसों पे गुलछर्रे उड़ाना। ठीक है सर, वो वाली रैपिंग याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। और इतना भी आप एग्जाम में लिख के आते हैं, यू आर रॉक सर, यू आर रॉकिंग सर, एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। इस कॉन्सेप्ट को 100% याद रखना है, 5-स्टार टॉपिक है सर FM के सारे जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, तो पूरा 100% लगा देना है सर जितना मैं लगा रहा हूँ। अभी सर मॉर्निंग के 2:31 AM हो रहे हैं सर, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वर्थ रखता था तो प्लीज़ इसके लिए लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।